सो हे गाइस, व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम शुमेल है और गाइस ये चैनल का नाम पूरी शुमेल है। और गाइस यहाँ पर तुम लोगों को फूड के रिलेटेड ब्लॉग्स मिलेंगे, आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस प्लस शॉर्ट वीडियोस सब मिलने वाली इस चैनल पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है गाइस, आज मैं मीरा रोड ईस्ट में हूँ और हम लोग जा रहे हैं भाईंदर। भाईंदर में एक नया कैफे खुला जिसका नाम है टॉप इन टाउन कैफे करके खुला हुआ है और नाम में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, बाकी वहीं जाऊंगा और वहां जाके पूरा मैं एक्सप्लोर करूंगा। और ये जो कैफे जो खुला है भाईंदर ईस्ट में और एकदम नया कैफे गाइस, तो वहां मैं और फरीद भाई जाएंगे और वहां जाके वहां के फूड ट्राई करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि फूड के रिलेटेड वीडियोज ही मिलने वाली तुम लोग इस चैनल पे। तो गाइस सीधा हम लोग चलते हैं वहां पर और पूरा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वहां पर हम लोग को क्या खाने को मिलता है। और मीरा भाईंदर में जो भी रहता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज मैं फरीद के साथ जा रहा हूँ, फरीद भाई ने जो कि मेरे को बताया था कि वो कैफे चलते हैं और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। फरीद भाई गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, तो अभी हम लोग बैक रोड पे गाइज, अभी बैक रोड से सीधा जा रहे हैं और फुल एक्सप्लोर करेंगे और फुल खाएंगे और फुल मचाएंगे। तो गाइस मैं टॉप इन टाउन कैफे के पास पहुंच चुका हूं और यहां पर ना गाइस बर्गर्स हो गए, पिज्जा हो गए, बहुत अच्छे रेट में मिलते हैं। और एक और चीज़ है जो है ना, नौकर रोड का आया, बाकी गाड़ियों की आवाज़ आ रही, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरे पास माइक नहीं है, तो बाकी आप लोग मैनेज कर लेना। बाकी गाइस हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर पूरा एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे और मैं तुम लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर गाइस क्या क्या अच्छा मिल जाता। तो गाइस अंदर चलते और पूरा एक्सप्लोर करते और चीज़ें खाते। तो गाइस मैं कैफे के अंदर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा किया हुआ है और यहाँ का जो टेस्ट है, जो चीजें मिलती है वो भी मैं टेस्ट करके तुम लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि मैं तुम लोगों को पता है कि मैं हर जगह जाता रहता हूँ और नए नए फूड ट्राई करता रहता हूँ, चैलेंज वीडियो वो सब बनाता रहता हूँ, तो तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फरीद थोड़ा ना यहाँ का इंटीरियर दिखा देना कि कैसा है, कि कैसा बैठने का क्या है, सारा दिखा देता हूँ। तो ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी गाइस आप लोग को दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, तो ये आप लोग ने देख लिया है। तो गाइज आप लोगों को मैं और भी दिखाता हूँ, अभी ना गाइज मैं बैठता हूँ और अपने लिए ऑर्डर करता हूँ, जो भी इनका स्पेशल है ना वो मैं ऑर्डर करता हूँ, तो तुम लोग भी वो चीज आके ऑर्डर कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ है और मैं बैठता हूँ गाइज और ऑर्डर करता हूँ अपने लिए चीजें, जो जो मैं खाऊंगा और जो जो हमारे फरीद भाई खाएंगे। तो गाइज मैं बैठ चुका हूँ और अपने लिए क्या ऑर्डर करता हूँ वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। और बाकी यहाँ पर ना तुम लोग विजिट जरूर करना, नौगर रोड पे ही गाइज है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा। और बाकी जो मैम है, जो यहाँ के ओनर है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि क्या है क्या है और कब ये अपना कैफे खुला है। तो गाइज अभी मैं थोड़ा ऑर्डर मार लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या ऑर्डर मारने वाला हूँ गाइज। तो बाकी गाइज मैं इसमें से ना पिज़्ज़ा आप लोग देख सकते हो, आपको मैं प्राइजेस भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर ये सब पिज़्ज़ा मिल जाता है, चीज़ी पिज़्ज़ा, चीज़ी लोड पिज़्ज़ा, प्राइजेस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो कि अगर आप लोग आओगे तो आप लोग देख के आ सकते हो। बाकी मैं अपने लिए एग्जॉटिक पिज़्ज़ा मैं ऑर्डर कर लेता हूँ अपने लिए, मीडियम या रेगुलर में से। तो मैम अपने पास एग्जॉटिक पिज़्ज़ा अच्छा मिल जाता है टेस्ट में, सबसे बेस्ट है। तो मैम भी मेरे को बता रहे कि एग्जॉटिक पिज़्ज़ा हो गया। और मैम सेकंड चीज़ मेरे को पीने में कुछ चाहिए, तो पीने में अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, मिल्कशेक ये सब अवेलेबल है? ये मिल्कशेक है, कोल्ड कॉफीज़ है। ओके, और आप हॉट में चाहे तो हॉट कॉफीज़ भी। अच्छा हॉट कॉफ़ी, ये मिल्कशेक जो चॉकलेट मिल्कशेक है जो 60 रुपीज़ का, ये इसका क्या है मैम? चॉकलेट मिल्कशेक आपको चॉकलेट ड्रेसिंग के साथ आएगा। अच्छा चॉकलेट ड्रेसिंग बेस्ट है वो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये मेरे को एक अबाउट ऑर्डर कर दो। फिर उसके बाद बर्गर में मैम कौन सा बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से मेरे लिए? मोस्ट सेलिंग और सबको पसंद आने वाला मैक्सिकन स्टाइल बर्गर। मैक्सिकन स्टाइल बर्गर, बहुत लोगों ने हमारे पास रिपीट ऑर्डर। अच्छा रिपीट ऑर्डर किया, जो कि मैक्सिकन स्टाइल चीज बर्गर आप बोल रहे हो। तो एक आप मैम ये कर दो और उसके बाद चॉकलेट मिल्कशेक कर दो और एग्जॉटिक पिज्जा। बाकी आप लोग, तुम लोग को ना मैं ये सब भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या, इतना सारा ऑर्डर मार के मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि प्राइस ये सब क्या है। तो ठीक है मैम, ये जो तीन चीज मैंने ऑर्डर किया वो आप मेरे को बना के दे दो, ठीक है? तो गाइस मैंने जैसे कि अपने लिए अपना एक मिल्कशेक मंगाया था, चॉकलेट मिल्कशेक, और सेकंड जो मैंने अपने लिए मंगाया था वो मैंने अपने लिए मैक्सिकन बर्गर स्टाइल चीज, मैक्सिकन बर्गर, और उसके बाद मैंने एग्जॉटिक पिज्जा मंगाया था। तो अभी तुम लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ यहाँ जरूर से जरूर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा क्राउड कम है इसकी वजह से, क्योंकि अभी 2 हफ्ता ही हुआ है शायद इसको खुले में, तो मैं सोचा कि चलो एक्सप्लोर भी कर लेता हूँ और वहाँ जाके वहाँ के डिश भी जो है, जो चीजें हैं वो भी ट्राई कर लेता हूँ।
तो अभी मैं बस थोड़ा वेट करता हूँ, जो चीजें आती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने दिया है। और एक और चीज, मैंने चॉकलेट शेक के साथ, मैंने फरीद भाई ने भी मेरे को डिमांड किया, बोले कि मेरे लिए भी तो कुछ मांगा हो, तो मैंने बोला भाई तुम स्ट्रॉबेरी शेक पी लो, हंस के आ रहे। तो ठीक है गाइस, अभी थोड़ा मैं वेट करता हूँ, बाकी वो जो आते हैं मैम लेके आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी और क्या टेस्ट है। ये मिल्क शेक है मैम, ये रोज मिल्क शेक है, ओके, और ये चॉकलेट मिल्क शेक है, और ये मैंगो मिल्क शेक है। तीन तीन मंगा लिए भाई टेस्ट के लिए। ये पिज्जा और ये तो गाइस, मैंने जो बर्गर भी जो मंगाया था ना, बर्गर भी आ गया और ये पिज्जा भी आ गया, तो ये भी मैं तुम लोगों को टेस्ट करके बताऊंगा। तो बाकी सब चीज का मैं आप लोगों को टेस्ट करता हूँ और सारे चीजों का मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। तो गाइस, तुम लोगों ने देखा कि मैंने अपने लिए पिज्जा बर्गर और ये मंगवा लिया, बाकी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है गाइस, तो अभी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो पहले मैं पिज्जा का टेस्ट करता हूँ कैसा है। मतलब बहुत जगह मैं गया हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स में भी गया हूँ, मैंने पिज्जा खाया, लेकिन इनका पिज्जा थोड़ा अलग ही डिफरेंट टेस्ट का है और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। और उसके बाद आप लोग बर्गर देख सकते हो, बर्गर की क्वालिटी और क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी क्वांटिटी दी, और बाकी बहुत गर्म गर्म है, ऐसा लग रहा है अभी ओवन से निकल के दिया है। तो ये भी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ, इसका भी टेस्ट वर्थ है गाइस, और जो बजट में मेरे को मिला है उसके हिसाब से गाइस बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये जो मैंने मिल्क शेक मंगाया था, तो मिल्क शेक का टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये मिल्क शेक का भी टेस्ट अच्छा है, फिर बाकी उसके बाद जितना है ना सब खाने वाला, बस मैं तुमको टेस्ट करके मैं बता रहा हूँ कि कैसा है। और ये है चॉकलेट मिल्क शेक मैंने मंगाया था, इसका भी टेस्ट अच्छा है गाइस। और उसके बाद मैं अपना रोज, बाकी के मुंह में भी पानी आ रहा होगा मेरे को पता है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर विजिट करना। तो ठीक है गाइस, ये सारे का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी मैं ना सारा फरीद भाई मेरा मुंह देंगे ऊपर से, बोले कि शिवाजी हम लोग सारा फिनिश कर लेते हैं, तो गाइस मैं सारा फिनिश कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है एंड में सारा सब कुछ बताता हूँ। क्या है, कैसा टेस्ट है, कैसा लग रहा है तेरे को? हाँ हंस क्यों रहा है? कैसा टेस्ट लगा तेरे को स्ट्रॉबेरी का? और अच्छा टेस्ट है, और मतलब सही एकदम अच्छा है, और प्राइस के हिसाब से भी सही है कि नहीं? और यारा मैंगो टेस्ट कर, मैंगो वाला भी टेस्ट करके बता। बाकी गोरा दिख रहा है एकदम, फरीद कैप वैप लगा के फुल स्मार्ट बॉय, फरीद बॉय एकदम अच्छा है, अच्छा है, प्राइस के हिसाब से बराबर है ना। तो गाइस अभी हम लोग ये फिनिश कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद मैं आपको सारा सब कुछ बताता हूँ। खत्म कर लिया, और वाकई में कसम से गाइस मेरे को बर्गर और पिज्जा का जो टेस्ट था बहुत अच्छा लगा, और जो शेक है वो भी बहुत अच्छा था, और सारा का सारा मतलब पॉकेट फ्रेंडली है। आप लोग कपल्स लोग तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट जगह होने वाली है, और फैमिली फ्रेंड्स लोग भी अगर आना चाहते हो यहाँ पर पार्टीज आर्टीज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो बाकी मैम अपने पास अगर कोई पार्टीज आर्टीज के लिए आते हैं तो वो भी हो जाता है ना अपने पास? और अपना ये जो टाइमिंग रहता है मैम कब से कब तक रहता है, खुला क्या रहता है, कब ऑफ रहता है? अच्छा मॉर्निंग 7 से लेके रात के 11 तक ही रहता है, 11 PM तक रहता है। और मैम ऑनलाइन में रहेगा? अच्छा आप डिलीवरी भी करते हो आपका खुद का यहाँ से? डिलीवरी टाइमिंग क्या है मैम? 4 AM सुबह से लेके 7 बजे से 4 AM। अच्छा सुबह के 7 बजे से लेके रात के 4 AM तक ही। अच्छा अगर ऑर्डर करना है तो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया मेरा, कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हो आप? मतलब मीरा भाईंदर फुल करते हो, मतलब मीरा भाईंदर में डिलीवरी पूरा करते हैं ये लोग। स्विगी जोमेटो में भी हो गया अपना? अच्छा क्या नाम से? टॉप इन टाउन कैफे के नाम से। तो गाइस तुम लोग यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो, विजिट करके तो और मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है काफी अच्छा है, और तुम लोग यहाँ के विजिट करो और यहाँ के जो फूड है वो एंजॉय करो। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलेंगे गाइज हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसी धमाकेदार मजेदार गाइज ब्लॉग लाते रहूंगा, तब तक ये बाय, टाटा नमस्ते, अल्लाह हाफिज। गाइज मैं कस्टमर रिव्यू भी तुम लोगों को दे देता हूँ, भाई कैसा आप लोगों को क्या लगता है यहाँ का ये सब मिल्कशेक, और आप कब से ट्राई कर रहे हो यहाँ पर आके, कब से खा पी रहे हो? अभी ना जस्ट मतलब इसके पहले मैंने ट्राई नहीं किया था, अभी जस्ट ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे ट्राई करना हो मीरा भाईंदर में तो मैं यहीं पे
यहीं पे आऊंगा और मैं आगे भी बताऊंगा कि यहाँ पे आइए और देखिए प्राइजेस कैसा है भाई। प्राइजेस तो मतलब वेल एंड गुड है कि मतलब इसके कंपेयर में कुछ मतलब बोल नहीं सकते। अच्छा आपका क्या, आपने क्या ऑर्डर किया था? आपने भी वही चॉकलेट शेक ही ऑर्डर किया था, तो कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा लगा। तो आपने कस्टमर रिव्यू भी गाइस आपको मैंने दे दिया, जेन्युइन कस्टमर रिव्यू। तो बाकी का जो है वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ।